नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दादाजी की अनोखी वसीयत भाग दो। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। मनिका, राधिका, कामिनी और केतकी बैठकर बात कर ही रही थी कि संगीता आ जाती है। राधिका उठकर जाने लगती है कि मनिका उसे रोक लेती है। संगीता बहुत पढ़ी लिखी महिला है, परंतु गर्ग मेंशन में आते ही वह बड़े कायदे करती है। ऐसे तो भगवान दास जी ने ही उसको घर आने की इजाज़त दी है, पर वह अपनी नंदों और देवरानी के साथ संतुलन नहीं बैठा पाती। वह उठकर भगवती जी और बुआ जी के पास बैठ जाती है। माता पिता तो हर बच्चे की अच्छी और बुरी हर बात में साथ देते हैं, क्योंकि घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। समाज तो बैठा ही है बातें बनाने के लिए। मनिका से रहा नहीं जाता, वह बोलती है, यह भाभी जी ही कम थी क्या अपनी पढ़ाई का रौब दिखाने को, जो प्रफुल्ल ने और कसर पूरी कर दी है। यह तो यहाँ सिर भी ढक लेती है, वह तो जाने जींस पहनकर ही न आ जाए। राधिका बोली, वह तो पूरे समय लंदन में ही पढ़ी बढ़ी है, तो उसे क्या पता होंगे भारतीय कायदे। कामिनी बोली, प्रफुल्ल से बात हुई क्या किसी की, कैसा है वह? उस लड़की को तो सब कुछ नए सिरे से समझाना भी तो आसान नहीं होगा। केतकी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी आग में घी का काम करते हुए बोला, अरे वह क्या सीखेगी भाभी सा, सब कुछ सीख कर ही आ रही है, और अंग्रेजी मैम है, प्रफुल्ल तो देखते ही फिसल गया होगा, कहते हुए हंस दे। इधर यह सब अपनी खिचड़ी पका रही थी, उधर लंदन शहर में एक बड़े से घर के अंदर एक सुकोमल नाजुक अंगों वाली लड़की, जिसको एक बार देख लो तो नज़र ही न हटे, आँखों की पुतलियाँ ऐसी जैसे गहरी नीली झील, रंग गुलाबी और होठ गुलाब की पंखुड़ियाँ, लंबाई करीब 5 फुट 8 इंच, छरहरा बदन, चेहरा इतना मासूम कि उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कोई, उम्र 27 वर्ष, जल्दी जल्दी सामान जमा रही थी और गायत्री मंत्र का श्लोक भी पढ़ती जा रही थी। उसी घर के स्टडी रूम में अपने सारे कागजात को जमाते हुए एक युवक, जो देखने में शुद्ध भारतीय नौजवान, रंग सावला, कद 6 फुट 2 इंच, काठी जिम में बनाई हुई, एकदम गठीली, आंखों पर नज़र का चश्मा और उम्र है 28 साल। निशा, हेलो, अरे यार, यह संध्या वंदना हो गई हो तो मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आ जाओ प्लीज़। कुछ ही देर में स्टडी का दरवाज़ा खुला और एक ट्रॉली में 2 गिलास मिल्क शेक और कुछ फल लेकर निशा अंदर आती है, तो प्रफुल्ल उसे देखता ही रह जाता है। निशा आकर उसकी कुर्सी के हत्थे पर बैठ जाती है और अपने हाथों से प्रफुल्ल को मिल्क शेक पिलाते हुए बोलती है, ओ डियर प्रफुल्ल, मैं बहुत खुश हूँ कि कल हम भारत जा रहे हैं। प्रफुल्ल उसे पूछता है, तुम तैयार हो मेरे पारंपरिक भारतीय परिवार में जाने के लिए? निशा बोली, अब वह हमारा परिवार है, हम दोनों ने इसीलिए विवाह किया है, मैं भारत में समय बिताना चाहती हूँ। मैं अपनी कंट्री को तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, तुम्हारे परिवार को जानना और समझना चाहती हूँ। अपनी मिट्टी अपनी ही होती है, मैं उसकी सुगंध से महकना चाहती हूँ। परंतु तुमको पता है ना, वहाँ हमसे कोई प्रसन्न नहीं है, प्रफुल्ल ने पूछा। वह तब की बात थी, अब तो कोई है जो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। निशा संदेहास्पद हंसी से मुस्कुराई। प्रफुल्ल ने जब उसे प्रश्न पूछने के लिए मुंह खोला तो निशा ने चुहल करते हुए उसके होठों पर अपने उंगली रखते हुए कहा, सब्र रखिए, समय आने पर सब पता चल जाएगा स्वीटू। प्रफुल्ल ने निशा को अपनी गोद में बिठा लिया और दोनों बाहें उसके गले में डालकर माथे से माथा टिका दिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे। ऐसा रोज ही होता है, निशा का जन्म भले ही लंदन में हुआ हो परंतु उसके पिता भारतीय हैं। वह लगभग 40 वर्षों से लंदन में रह रहे हैं, पहले उनकी पढ़ाई, फिर व्यवसाय और फिर विवाह, सब लंदन में ही हुआ था। वर्तमान में उनका रत्नों और रत्नजड़ी जेवरों को बनाने और बेचने का काम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों के माध्यम से बेचे जाते हैं। निशा उनकी इकलौती संतान है। निशा की माँ पीढ़ियों से लंदन में बसे भारतीय परिवार की बेटी है। निशा की पूरी परवरिश भारतीय संस्कारों से हुई है, क्योंकि जब उसकी परदादी और परदादा जी विवाह कर लंदन में स्थापित हुए थे, तब भारतीय संस्कृति और संस्कारों को भूलकर विदेशी रंग में रंग गई थी। वहाँ की चकाचौंध में ऐसे डूबे कि भारत से उनका संपर्क टूट गया, और धन की मदहोशी तब टूटी जब उनकी बेटी निशा की बुआ दादी का संबंध कहीं नहीं हो पाया और वह घर छोड़कर चली गईं। यह सदमा बहुत बड़ा था, इसलिए जब निशा की दादी ने उनके घर में कदम रखा, तब परदादी ने उनको सभी भारतीय त्यौहार, संस्कार
और सारी भारतीय बातें मनाने हेतु प्रेरित किया। तभी निशा के दादाजी ने वहां भारतीय मंदिर की स्थापना करवाई और वहां रहने वाले भारतीय परिवारों का एक समूह बनाया। आज भी वही समूह जागरूक है और भारतीयों को अपना छोटा सा समाज है। प्रातःकाल प्रतिदिन श्री कृष्ण राधा की सेवा से लेकर शाम की संध्या वंदना तक सब कुछ आता है निशा को। उसकी दादी ने ही उसे संस्कृत के श्लोक रामायण और महाभारत की सारी कहानियाँ सुना रखी है। यही कारण था कि जब कॉलेज में पहली बार प्रफुल्ल के भारतीय स्वरूप को देखा था तभी निशा उस पर मोहित हो चुकी थी। इंदौर के जिस विद्यालय से प्रफुल्ल पढ़ा था वहाँ से उसे बार बार अलग अलग देशों में घूमने का मौका मिला। शिक्षा विनिमय के तहत वह 6 माह तक लंदन भी रहा था और कैम्ब्रिज की पढ़ाई उसने वहाँ भी की थी। यही कारण था कि प्रफुल्ल लंदन में बहुत आसानी से समायोजित हो गया था। 5 साल कॉलेज में और 3 साल अनुसंधान के बाद 2 वर्ष से अपने दादाजी का व्यवसाय लंदन में संभाल रहा था, जिसकी जानकारी भगवान दास जी और प्रफुल्ल के अलावा किसी को नहीं पता है। यही कारण है कि प्रफुल्ल और दादाजी की बातें क्या होती है यह कोई नहीं जानता। निशा और प्रफुल्ल की पहली मुलाकात आम प्रेमियों की तरह ही हुई थी। फ्रेशर पार्टी में सभी को अपनी पसंद का कार्य करने को मिला और निशा ने संस्कृत के श्लोक नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः सुनाकर सभी को चौंका दिया था। प्रफुल्ल ने गिटार पर वेस्टर्न शास्त्रीय संगीत की मधुर धुन बजाई और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने में सफल हुए। निशा और प्रफुल्ल रोज नहीं मिल पाते थे क्योंकि दोनों की पढ़ाई अलग अलग थी। निशा ला और प्रफुल्ल व्यवसाय के गुण सीख रहे थे, केवल वीकेंड पर दोनों मिलते थे। प्रफुल्ल को जब पता चला कि यहाँ भारतीय मंदिर है तब उसने भी वहीं पास में ही घर ले लिया था। मंदिर के समारोह में भी दोनों का मिलना होता था और प्रफुल्ल निशा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। हर रोज कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन होते ही रहते थे। हर मंगलवार वहाँ रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड का पाठ होता और निशा बिना किसी बाधा के धारा प्रवाह सारे दोहे और चौपाइयाँ बोलती जाती थी। निशा के बारे में प्रफुल्ल ने जब अपने परिवार को बताया कि वह उससे विवाह करना चाहता है तो भगवान दास जी ने स्पष्ट मना कर दिया था, पर प्रफुल्ल ने निशा और उसके दृढ़ निश्चय को बताया तब वीडियो कॉल के माध्यम से भगवान दास जी और निशा के दादाजी की बहुत बातें हुई, लेकिन किसी ने भी निशा को नहीं देखा था। बच्चों ने जरूर फेसबुक पर उन दोनों की बहुत सी तस्वीरें देखी थी जिसमें अधिकतर वेस्टर्न कपड़ों में ही निशा को देखा था। अब केवल आंखों देखी बातें ही तो सच होती नहीं, केवल कपड़े पहनने के तरीके से यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह संस्कारी है अथवा नहीं। फिर भी अपने पोते की खुशी के लिए दादाजी को हाँ तो करनी पड़ी, पर जैसा वह चाहते थे कि विवाह देवास में हो तो वह संभव नहीं हो सका और प्रफुल्ल और निशा का विवाह लंदन में ही हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुआ था। सभी ने वीडियो कॉल पर ही बेमन से आशीर्वाद दिया था। निशा ने घूंघट में ही सारी रस्में निभाई थी। तब सबको लगा कि भली बनने का नाटक है या इसलिए घूंघट में विवाह किया है। लंदन के कानून के अनुसार उनको कोर्ट में रजिस्टर्ड विवाह भी करना पड़ा था। कुछ ही दिनों में भगवान दास जी, प्रफुल्ल और निशा की आपस में बहुत बातें होने लगी, यहाँ तक कि वसीयत में क्या और कैसे सब रखवाना है यह भी भारतीय वकील को निशा ने ही बताया था। हेलो प्रफुल्ल जी, दादाजी प्रणाम, चरण स्पर्श आपको, जीते रहो, सदा सुखी रहो, बहू कैसी है हमारी, और हाँ तुमको सारे पार्सल मिल गए? जी हाँ, हम सब ठीक है दादू। हाँ जी, सब डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं, कल तक सारा रुपया आपके प्राइवेट अकाउंट में भेजता हूँ। और हाँ, वह कार के पार्ट्स का क्या हुआ? वह भी सब तैयार है, सारा स्क्रैप मैंने रखवा लिया है, बस अब लाना ही है। दादाजी इस बार सिगरेट के 5,000 पैकेट ही क्यों आए? अरे इस बार 10 ही लोग आ रहे थे लंदन, इसलिए। अब जब तुम जाओगे तो तुम्हारे सहित और भी लोगों को भेज दूंगा तो ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है दादाजी, अब आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना और समय पर ही निकलना। और हाँ, याद है ना कैसे आना है? जी आप चिंता मत करिए, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। डैड कल ही अफ्रीका से आ रहे हैं, उनसे बात हो गई है। आप चिंता ना करो, हम समय से पहुंच जाएंगे। प्रफुल्ल के निजी कमरे में फ़ोन पर होने वाली यह वार्ता थी सेठ भगवान दास जी के कुछ अवैध व्यापार की। चाँद में भी तो दाग है, ऐसी धारणा अपनाते हुए प्रफुल्ल का मानना था कि जब रुपया आसानी से मिलता है तो क्या फ़र्क होगा।
अपने सीधे और सरल व्यक्तित्व के दादाजी को बड़ी मुश्किल से मना कर उसने लंदन में दो व्यापार शुरू किए, एक तो सिगरेट का और दूसरा कार के पुराने पार्ट्स का। भारतीय सिगरेट के 100 के पैकेट की कीमत लंदन में भारतीय रुपए में 1100 होती है, पर यह हर कंट्री के अनुसार बदलती रहती है। इसमें टैक्स की बचत करने के लिए ही अवैध वितरण किया जाता है और यह मांग तो हमेशा ही रहने वाली है। इसी तरह लंदन की कारों के पुराने पार्ट्स को भारत भेजकर नया बनवा कर कार बाजार में बेच दिया जाता है। पुराने पार्ट्स बहुत कम कीमत और कम कस्टम ड्यूटी देकर भारत भेज दिया जाता था, जिसमें बहुत लाभ था। यह सभी काम पर्दे के पीछे होते थे। वैसे तो प्रफुल्ल ने मेयर हाउस में छोटे पद से नौकरी प्राप्त की थी, जो 2 साल में ही उच्च पद तक आ गई थी। प्रफुल्ल कमरे में आया तब तक निशा ने उसके लिए बाथटब में पानी तैयार करके रख दिया था। प्रफुल्ल निशा के पास आया और उसके गीले बालों को छेड़ते हुए, हाय ये कातिल अदा, किसको मारने का इरादा है? आई विल किल यू, एनीबडी एल्स इज देयर। निशा ने भी अपनी निगाहों को और कातिल कर लिया। प्रफुल्ल बोला, जस्ट वेट एंड वॉच, इंतजार करो, देखता हूँ कि कौन किसको मारता है। ओह मैं इंतज़ार करूंगी, जाओ पहले तुम नहा लो, निशा खिलाकर बोली। कुछ रोमांटिक मूड में दोनों एक कविता की पंक्तियां गाने लगे। चलो चले हम दूर देश अपने, वहीं जहां हैं सारे परिजन अपने, पलक पावड़े बिछाए देख रहे हैं हमारे सपने। यहां इनकी प्यारी नोक झोंक चल रही थी और दूर भारत में कोई इनका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। एक बंद कमरे में पता चला है वो अंग्रेज़ मैम सेठ जी की सारी वसीयत देख रही है और दोनों कल की फ्लाइट से निकलेंगे और परसों तक दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में ही उनका काम तमाम कर दो। ये क्या बोल रहे हो, मरना है क्या? उसके साथ बाउंसर्स चलते हैं जो हमेशा छुप कर चलते हैं, और अभी तो वह बहुत सावधानी से आ रहा होगा क्योंकि वो अंग्रेजी तितली जो उसके साथ है। कौन है यह लोग और प्रफुल्ल और निशा से क्या दुश्मनी है, यह पता चलेगा कुछ समय में। लंदन में निशा और प्रफुल्ल अपने अत्याधुनिक बिस्तर पर लेटे बात कर रहे हैं। दादू का फोन आया था, प्रफुल्ल ने बताया। अच्छा क्या बोल रहे थे, निशा ने पूछा। पूछ रहे थे हम कैसे आ रहे हैं। और आपने क्या बोला? मैंने बोल दिया है डैड के प्लेन से आ रहे हैं, पर वहाँ तो सबको पता है हम ब्रिटिश एयरवेज से आ रहे हैं। अरे यार वो तो बस सबका ध्यान हटाना है, तुमको पता है ना कितनी जोखिम है हमें वहाँ तक पहुँचने में। लोग तो इंतज़ार ही कर रहे हैं, जैसे दादाजी सब कुछ हमको ही देने वाले हैं। वो तो इसलिए कि दादाजी की सलाहकार के रूप में मैं जो काम कर रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमको छुट्टियाँ मिल गई है ना? अरे बताया तो था, कल ही मुझे पूरे 2 माह की छुट्टियाँ मिली है। तुम मुझे पूरा भारत घुमाओगे ना? हाँ चलो अब सो जाओ, कल जितनी जल्दी हो सके निकलेंगे। हाँ डैड भी आ जाएंगे अल सुबह ही। अगले दिन जैसे ही निशा के डैड आए, उन्होंने निशा और पूरे परिवार को देने के लिए उपहारों के साथ निशा के लिए बनवाए 9 रत्नों के जड़ाऊ जेवर विशेष रूप से प्रफुल्ल को ही रखने के लिए दिए। निशा की विशेष आउटफिट और जेवरों का एक बड़ा बॉक्स भी था। सुबह सुबह ही वह अपने ससुर के प्राइवेट प्लेन से भारत के लिए निकल गए। निशा का एक नया सफ़र हो चुका था शुरू। वह ऐसी जगह जा रही थी जहाँ प्रफुल्ल के अलावा उसे कोई नहीं जानता था, परंतु उसे पूरा विश्वास था कि जब सब उससे मिलेंगे तब सब ठीक होगा। 10 घंटे के सफ़र के बाद निशा और प्रफुल्ल इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से उन्हें प्राइवेट निकासी से निकालकर सेठ भगवान दास जी के निजी और गुप्त आवास पर पहुंचा दिया गया। उस स्थान के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। भारत में 8:00 जब वह वहाँ पहुँचे। कुछ ही समय में वहाँ 3 गाड़ियाँ आई और जिसमें सेठ जी और उनके विश्वासपात्र सदस्य थे। भगवती देवी भी भगवान दास जी के हर सुख दुख की भागीदार थीं और अपने सबसे छोटी पौत्र बहू को देखने की उत्सुकता में ही अपने पति देव के संग वहां पहुंची थीं। जब वह घर में भगवान दास जी से उनके साथ जाने की जिद कर रही थी, तब सेठ जी ने उनसे पूछा था, तुमको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना अगर वह पश्चिमी पोशाक में होगी तो? भगवती जी बोली, अब तो वह जिस भी रूप में मेरे सामने आएगी उसे स्वीकार ही करना होगा, बस आप तो मुझे ले चलो। सेठ जी बोले, किंतु अभी तक किसी को पता नहीं है कि वह भारत आ गए हैं। अरे भारत क्या, इंदौर आ गए हैं। कोई बात नहीं, आपके हर राज में पिछले 57 वर्षों से साथ हूँ मैं, तब आज कैसे कोई जान लेगा जी? मैं तो चलूँगी, अपने घर की कोई महिला तो होना चाहिए ना वहाँ। वह अकेली ही आई है, उसके घर से उसकी मम्मी आती तो मैं नहीं जाती, और मुझे पता है आप मेरे अलावा और किसी को लेकर भी नहीं जाएंगे वहाँ।
जैसे ही वह लोग वहां पहुंचे तब तक प्रफुल्ल और निशा भारतीय परिधानों में तैयार हो चुके थे, जिसके लिए सारे इंतजाम पहले से ही किए जा चुके थे। निशा ने गुलाबी रंग की प्योर जॉर्जेट की राजस्थानी पोशाक पहनी थी, जिस पर चूड़े और नवरत्न के जड़ाऊ रखड़ी, बाकड़ा, जड़ाऊ गलबंद, सीताहार, गोखरू, कंकड़, कर्णफूल, पायल और राजस्थान में पहने जाने वाली तीन कड़ी के बिछुए। प्रफुल्ल ने सिल्क की धोती और जरी के काम का कुर्ता पहना था। यह निशा की ही इच्छा थी कि जब वह पहली बार अपनी ससुराल के किसी भी सदस्य से मिले तो पूरी राजस्थानी परंपरा के अनुसार ही मिले। उसने पिछले कई महीनों से यह सारी तैयारी उसके पापा और बहुत से अलग अलग डिजाइनरों के सहयोग से की थी। यहाँ जब पार्लर से आई मेकअप आर्टिस्ट ने उसे देखा तो ठगी सी रह गई थी, और जब निशा की पसंद देखी तो बस आश्चर्यचकित रह गई थी। जैसे ही दादाजी और दादी जी अंदर आए, वह तो दोनों को देखकर एक पल को तो स्तब्ध ही रह गए। दादाजी तो प्रफुल्ल से मिले, पर दादी तो अपनी रानी पद्मिनी सी पौत्र दुल्हन को देखकर अपने को रोक ही नहीं पाई, और जैसे ही आगे बढ़ी निशा ने झुककर पैर छुए, दादी तो गदगद हो गई और उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यती भव, आयुष्मती भव। बड़े बुजुर्गों को तो बस जरा सा आदर सम्मान मिल जाए और क्या चाहिए। दोनों ने पहली मुदिखाई में ही हीरे के कंगन दिए, जो उन्होंने सभी बहुओं को दिए थे। दादा पोते तो अपने व्यवसाय की बातों में लग गए और दादी बहू की लाड प्यार की बातें चलने लगी। निशा ने दादाजी को बताया कि डैड ने उपहारों में जो सामान भेजा है वह अंदर रखवाया है। भगवती जी बोली, इन सब की ज़रूरत नहीं थी बेटा। निशा बोली, क्यों नहीं थी, आप सभी का सम्मान करना तो मेरे परिवार का दायित्व तो था दादी जी। बात करते हुए ही सभी ने खाना खाया और देर रात तक बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। तब भगवान दास जी ने कहा, तुम लोग तब तक यहीं रहोगे जब तक मैं स्वयं तुमको लेने न आऊँ। मुझे देखना है कौन है जो तुम्हारे आने से बहुत परेशान है। दिल्ली भी खबर भेज दी है, संभव ने भी बात की है। परेशान मत होना और आराम से सोना, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। प्रफुल्ल और निशा ने दोनों के पैर छूकर विदा किया। भगवान दास जी और भगवती देवी जी के जाने के बाद ही प्रफुल्ल ने किसी को फोन लगाया पता करने के लिए कि कौन है जिसको उसके भारत आने से परेशानी हुई है और क्यों। प्रफुल्ल को याद नहीं आ रहा था कि पिछले 10 वर्षों से उसका भारत में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या उसने किसी का कोई बुरा किया हो। निशा ने नाइट ड्रेस पहन ली थी और प्रफुल्ल के स्नान का पानी भी रख दिया था। उसको तो अपना सारा काम स्वयं ही करने की आदत थी। बचपन से ही उसने अपने यहाँ कोई नौकर नहीं देखा था, परंतु जब से यहाँ आई है आगे पीछे नौकरों की फौज देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। वह तो दादाजी और दादी जी के जाने के बाद खाने की मेज़ से सारे बर्तन उठाकर स्वयं ही ले जाने लगी थी। तब रामचरण काका ने बताया, बहू रानी, यहाँ आपको कोई काम नहीं करना है। अगर घर के किसी भी सदस्य ने आपको काम करते देख लिया ना तो हम सभी की सामत आ जाएगी। निशा ने उनसे कहा, पर काका मुझे तो सारा काम स्वयं ही करना अच्छा लगता है, हमारे यहाँ नौकर नहीं मिलते इतने आसानी से। पर बहू जी, आपको कोई काम नहीं करना है बस, रामचरण ने कहा। पर काका, मेरे और प्रफुल्ल के कमरे के अंदर मैं अपने काम स्वयं ही करूँगी, निशा ने भी कहा। सारे नौकर और नौकरानी निशा को हिंदी में अस्पष्ट बात करते देखकर आश्चर्य हो रहे थे। सभी दबे मुँह से बात कर रहे थे, देखो तो लगती तो परी सी है, अंग्रेजी मैम है। हम तो समझे थे कोई चम्मच भी नहीं हिलाएंगी, पर ये तो बर्तन लेकर रसोई घर में आ गई और तो और हिंदी में पटर पटर बोल रही हैं। निशा ने जब सबको अपनी तरफ घूरते देखा तो समझ गई कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, और वह बोली, मुझे हिंदी बोलनी आती है। सब एकदम सकपका गए। तब रामचरण ने उन्हें डांटते हुए कहा, सब अपना काम करो। कमरे में निशा बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी कि बाथरूम से निकलते प्रफुल्ल की निगाह उस पर गई और उसने पीछे से ही निशा को अपनी बाहों में भर लिया। क्या इरादा है डार्लिंग? निशा उसकी मजबूत बाहों में कसमसाई और बोली, मुझे छोड़ो तो मैं बताऊं क्या इरादा है। हम हनीमूनर नहीं हैं, प्रफुल्ल बोला, अभी तो हम अकेले हैं तो यहाँ तो हमें हर तरह की छूट है। जब गर्ग मेंशन में चले जाएंगे तब तुम बन जाना लाजवंती, अभी तो बस तुम हो और मैं। और अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर दी। निशा और प्रफुल्ल एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। रात तो ऐसे ही बीत गई। सुबह 5 बजे अचानक उस हवेली में मंदिर की घंटियों से सभी की नींद खुल गई। प्रफुल्ल नींद में ही बुदबुदाया, ये मेरी भक्तन यहाँ भी अपनी पूजा पाठ नहीं भूली।
निशा ने पूजा समाप्त की और पूरे घर में जल छिड़कते हुए अपना कमरा ही भूल गई। बहुत ही पुरानी बनी हुई उस हवेली को भूल भुलैया कहा जा सकता है। प्रफुल्ल झटके से उठा, जैसे उसको अंदेशा हो गया था कि निशा कमरे का रास्ता भूलकर भटक जाएगी। प्रफुल्ल तो बचपन में हर हफ्ते ही इस हवेली में आता था। खैर, गोविंद दूध लेकर आ ही रहा था कि उसने सीधे पल्ले की साड़ी में एकदम हीरोइन जैसी दिखने वाली लड़की को देखा तो ठिठक कर रह गया। वह समझ गया कि नई बहू रानी आ गई हैं। उसे कल ही बता दिया गया था कि उसे 2-3 दिन ज़्यादा दूध लेकर आना है। उसने निशा के चेहरे पर चिंता देखी, उसे अपने आप को रोका नहीं गया और बोला, आप प्रफुल्ल भैया के साथ आई हैं क्या नई भौजी? निशा कुछ बोली नहीं, बस अपनी नीली बड़ी आंखों की लंबी पलके झुकाकर हाँ कहा। अरे तो लगता है जौन आप रास्ता भटक गई हैं। अब वो का है ना, बाबूजी की यह हवेली है ही ससु। अरे गोविंद क्या बोल रहा है? खुद से ही बड़बड़ाते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो क्या है, क्षमा करना भौजी, बस मुँह से निकल गया। निशा उसको इस तरह देख कर मुस्कुरा दी तो वो बोला, जय बात, चलिए भौजी इस तरफ से आ जाइए, हम ले चलते हैं आपको। इधर पुरानी हवेली का वातावरण भगवान की भक्ति से प्रसन्न हो रहा था। उधर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक व्यक्ति जो चेहरे से अजीब ही था, चिल्लाकर अधिकारियों से बहस कर रहा था, हमें पूरी जानकारी है वह दोनों मिस्टर प्रफुल्ल गर्ग और मिसेज निशा गर्ग इसी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से भारत आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इतने सारे पैसेंजरों में वो दोनों, तो क्या एक पैसेंजर भी इस नाम का नहीं है? अरे आप ध्यान से देखिए, हमें पक्की खबर है, नौकरी चली जाएगी आपकी। और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों का कहना था, सर हमने 3-4 बार पूरी तालिका जांच ली है, यह दोनों नाम है ही नहीं। तभी उस व्यक्ति के फ़ोन पर मैसेज आया, वह दोनों इंदौर पहुंच चुके हैं, आप लोग वापस आ जाओ। वह आदमी गुस्से से पैर ठोकते हुए एक भद्दी सी गाली देते हुए अपना फ़ोन बंद कर देता है। आज तो बच गए हो प्रफुल्ल बाबू, पर हम भी देखते हैं कब तक खैर मनाते हो। वह इतना बोलकर पीछे मुड़ा ही था कि पीछे से पुलिस को अपनी ओर आते देखकर भागने की कोशिश करने लगा, परंतु जल्दी ही वह पुलिस वालों के द्वारा पकड़ा गया। रात को हवेली से गर्ग मेंशन पहुँचते ही भगवान दास जी ने सभी पुरुषों को घर के बड़े हॉल में इकट्ठा होने को कहा था। पापा जी कुछ गुस्से में हैं, यह जानकर सारी बहू बेटियाँ और बच्चे डर गए थे, पर भगवती जी ने सबको अपने अपने कमरे में जाने को कहा और वह सभी सो जाएं यह आदेश भी दिया, और स्वयं भी कमली जी के साथ अपने कमरे में चली गईं। कमली जी बोली, क्या बात है भागो, भगवान इतने गुस्से में क्यों है? और तुम लोग गए कहाँ थे? हम सब इंदौर गए थे जीजी, खजराना गणेश मंदिर में प्रसाद बंटवाना था, भगवती जी बोली। अरे पर वहाँ तो कल सबको जाना था ना, जब प्रफुल्ल अपनी लाड़ी के साथ आता तब, कमली जी ने पूछा। हाँ तब भी चले जाएंगे, पर अभी तो इनको पता चला है कि प्रफुल्ल और निशा की जान को खतरा है। क्या? कमली देवी जी बहुत जोर से चीखी तो भगवती देवी ने उनके मुंह पर उंगली रख दी। दीदी धीरे, अभी यहाँ किसी महिला को कुछ नहीं बताना है। उधर बड़े हॉल में जैसे ही सब पुरुष सदस्य इकट्ठा हुए, भगवान दास जी ने कड़क स्वर में पूछा, किसको किसको लगता है कि मैं अपनी सारी जायदाद और संपत्ति का इकलौता वारिस प्रफुल्ल को बनाने वाला हूँ? आज सभी ईमानदारी से जवाब देंगे, वरना यदि मुझे बाद में पता चला तो वह शख्स अपनी जान से जा सकता है। उन्होंने सभी के चेहरे को ध्यान से देखा, इतने सालों की अनुभवी आंखें और उनकी बुद्धि से या चेहरे पर आते जाते भाव से ही समझ जाते थे कि किसी के चेहरे पर कैसे भाव आ जा रहे हैं। सभी एक साथ ही बोले, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने हम सभी का हमेशा साथ दिया है। अंकित बोला, क्या बात है दादाजी, आप अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले हम सभी से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, जबकि वकील अंकल के साथ आपकी हर बैठक में मैं, रोहन चाचा और निशा तो हमेशा ही रहे हैं। अब निशा वर्चुअली रहती है और वह आपसे घूंघट करने की वजह से कभी सामने नहीं आई, हमेशा वीडियो बंद ही रखा, पर रही तो है ना। कल्याण जी को देखकर भगवान दास जी को लगा कि वह कुछ परेशान है। उन्होंने कल्याण जी से पूछा, क्यों कालू, तुमको क्या लगता है? कल्याण जी बोले, पापा जी मुझे यह सब तो नहीं लगता कि आप केवल प्रफुल्ल को ही सब दे देंगे, पर हाँ यह ज़रूर लगता है कि मेरा हिस्सा तो कम ही होगा। आखिर प्रफुल्ल के खिलाफ साजिश किसने की? क्या प्रफुल्ल के चाचा ने ही उसे मरवाने की कोशिश की?
क्या भगवान दास जी को पता चला इस बात का? भगवान दास जी ये जानने के बाद कि प्रफुल्ल के खिलाफ साजिश किसने की, क्या फैसला लिया? ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का तीसरा भाग। अगर आप इस कहानी का तीसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में या सारनो जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।